देखो, गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई गैल्वेनोमीटर है उसको अगर हमने एमीटर में बनाना है तो हम साथ में पैरेलल में क्या लगाएंगे, लोअर रेजिस्टेंस शंट, और अगर हमें उसे वोल्टमीटर में बनाना है तो हम क्या लगाएंगे, हाई रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम। कई जगह इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता है कि अगर मुझे रेंज ऑफ एमीटर को बढ़ाना है, रेंज ऑफ एमीटर बढ़ाने का मतलब कि आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर कितना करंट मेजर करता है, आई ऑफ जी, और आपने क्या बनाना है, एमीटर, तो यानी कि आपने उसकी करंट रेंज को बढ़ाना है, तो आपने क्या करना है, उसकी रेंज कितनी बनानी है, आई, तो आई जी से आई, तो आप शंट लगाएं और शंट का ये फॉर्मूला यूज़ करें, जी अपॉन एन माइनस वन, वेयर एन इज इक्वल टू जो करंट की रेंज आप बनाना चाहते हैं आई, और जो गैल्वेनोमीटर का करंट है आई जी। तो इसको उठा के जब यहाँ पुट करेंगे एन की जगह, सॉल्व करेंगे, तो शंट का वही फॉर्मूला आएगा आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी, जो हमने ऑलरेडी निकाला था। तो हमने अपने कोर्स में, हमने जब लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया, हमने ये फॉर्मूला याद किया था शंट का, आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, शंट का ये फॉर्मूला यूज़ किया। लेकिन कई जगह ऐसा यूज होगा, लेकिन बात एक ही है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे वोल्ट मीटर बनाना है तो वोल्ट मीटर के अंदर क्या करेंगे, हाई रेजिस्टेंस आर सीरीज में लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू जो हमने याद की थी वो किस कुछ इस फॉर्म में थी, पर ऐसा भी कई बुक्स यूज करती हैं, जी इंटू एन माइनस वन, वेयर एन इज इक्वल टू न्यू रेंज अपॉन ओल्ड रेंज, ओल्ड रेंज का मतलब जो गैल्वेनोमीटर मेजर करता था, वी का मतलब जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा। तो आप ये दो फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं, हालांकि मैं अपने पुराने फॉर्मूलाज यूज करूंगा जो मैंने शंट और आर का बताया था, पर अगर कोई ऑब्जेक्टिव के अंदर ऐसी प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन आती है, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट,